तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक तहसीलदार के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 93 लाख की नगदी और ज्वेलरी जब्त की गई है। एसीबी ने यह कार्रवाई 4 लाख रुपए घूस लेने के मामले में की है। आपको बता दें कि एसीबी ने बुधवार की रात केशमपेट मंडल के तहसीलदार वी लावण्या के घर और ऑफिस में छापेमारी की थी, जहां शिकायतकर्ता मम्मी दीपल्ली भास्कर का आरोप है कि तहसीलदार ने पिछले दिनों इलाके में कोल्ड ड्रिंक शॉप खोलने की अनुमति देने के लिए उनसे 8 लाख रुपए मांगे थे। इनमें से 5 लाख तहसीलदार और 3 लाख विलेज रेवेन्यू ऑफिसर को मिलने थे। हालांकि इस दौरान एसीबी ने घूस के लिए दिए गए 4 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं।